नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिंदिता सिंह है और मैं नोवा आईवीएफ कोलकाता में कंसल्टेंट हूँ। आज हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पर चर्चा करेंगे। कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी कैसे लाई जा सकती है, या आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे और इनके फ़ायदे या नुकसान क्या क्या हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। किसी भी आईवीएफ क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य होता है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, क्योंकि हम एक स्वस्थ बच्चा चाहते हैं और स्वस्थ बच्चा तभी हो सकता है जब महिला सिंगल प्रेगनेंसी कैरी करें, और यह तभी संभव है जब हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, मगर प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाता। इसका मुख्य कारण है कि मेडिकल साइंस आज भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि हम अच्छे एम्ब्रियो की सही सिलेक्शन कर पाएँ। पहले दिनों में एम्ब्रियो को 3 दिन तक कल्चर करना संभव था, आज 5 दिन तक हम लैब में एम्ब्रियो को कल्चर कर सकते हैं। इसका यह फ़ायदा है कि जो एम्ब्रियो अच्छे नहीं होते उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। किसी भी day 5 एम्ब्रियो की सफलता दर 30-40% होती है, यानी कि अगर हम एक day 5 एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करें तो सक्सेस रेट 30-40% होती है। इसलिए जिन महिलाओं की उम्र कम है, वे स्वस्थ हैं या उन्हें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की ही सलाह देते हैं। इसका यह फ़ायदा है कि सिंगल प्रेगनेंसी ज़्यादा सेफ होती है, बच्चा सही समय पर जन्म लेता है और स्वस्थ भी होता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि महिला की उम्र ज़्यादा है, या उन्हें पिछले आईवीएफ साइकिल में फेलियर हुआ है, या उनकी भ्रूण की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तब हम उन्हें डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की भी सलाह देते हैं। इसका यह फ़ायदा है कि इससे सक्सेस रेट्स ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, मगर डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने पर ट्विन प्रेगनेंसी होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। ट्विन प्रेगनेंसी होने पर प्री मच्योर बर्थ हो सकता है और नवजात शिशु को स्पेशलाइज्ड केयर में भी रखना पड़ सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही हम यह तय करते हैं कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें या मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें। धन्यवाद।